हेलो फ्रेंड, कैसे हो फ्रेंड आप सब। और आप भी चाय पी लीजिए फ्रेंड। मैं सुबह सुबह उठकर ब्रश करने के बाद देखो चाय पी रही हूँ। चाय के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती है फ्रेंड। और देखो उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि कल श्राद्ध था ना हमारे यहाँ मेरी सास का और सास की जो सास थी उनका, तो कल सुबह सब्जी बनाई थी फ्रेंड, तो इसलिए फिर आज सुबह सब्जी तो बची नहीं थी, इसलिए फिर मैंने आलू बना दिए थे। और एक तोरी बेल से उतर गई थी फ्रेंड, वो भी डाल दी थी क्योंकि बच्चे तोरी बिल्कुल नहीं खाते। आलू में डाल दिया तो कोई ना कोई तो खाएगा ही फ्रेंड उसको। और फिर उसके बाद देखो फ्रेंड, मैंने आलू की सब्ज़ी बनाने के बाद फिर आटा कर लिया था, और थोड़ी सी कल की सब्ज़ी जो बची हुई थी ना फ्रेंड, वो खाए नहीं बच्चों ने, आलू के थे उबले हुए, कल सुबह की थी जो मैंने बनाई थी। फिर मैंने था कि उसे थोड़ा सा ना इसमें डाल लिया था आटे के अंदर, कि ख़राब भी नहीं जाएगी सब्ज़ी और पराठे खुश होकर खा लेते हैं बच्चे। तो उसके बाद फिर मैंने आलू की सब्ज़ी को आटे में गूंथ के देखो इस तरह से पराठे, बहुत अच्छे पराठे बने थे फ्रेंड। और थोड़ा सा आटा वैसे कर लिया था क्योंकि कुछ परांठे खाते हैं कुछ खाते भी नहीं हैं फ्रेंड। और बिना प्याज की और उसकी लहसुन की सब्ज़ी कुछ खास अच्छी नहीं बनती है फ्रेंड, क्योंकि मसाले डालते हैं ना सब्ज़ी में तो जब ये अच्छी बनती है। और श्राद्धों में तो ऐसी सब्ज़ी नहीं बना सकते हैं, गंठा वगैरह नहीं डालते हैं ना लहसुन डालते हैं फ्रेंड, सिर्फ टमाटर का छोंक लगा देते हैं और जीरे का तड़का लगा देते हैं फ्रेंड। और देखो फ्रेंड इस तरह से मैंने परांठे देखो मूल पेट के बनाए हैं फ्रेंड, क्या करूँ, मेरी तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लग गई है फ्रेंड। अब की बार मैं हमारे हॉस्पिटल कल्पना चावला से लेके आई हूँ फ्रेंड दवाई। बोल तो रही थी डॉक्टर की 2 महीने बाद तुम ठीक हो जाओगी, उन्होंने मेरा जो एक्सरे वगैरह किया था नाक का, फेस का, यानी कि नाक का ही बोल रही थी, लेकिन सारे चेहरे का ही हो गया था। फिर उसके बाद बोला था कि काफ़ी लंबी बीमारी हो गई है तुम्हारी, इतनी ज़्यादा हो गई थी इसलिए, तो दवाई खा लो आप। और देखो फ्रेंड फिर मैंने चाय बना ली थी, 3 बार चाय बना लिया फ्रेंड, अब तक बच्चों के पापा जी ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। और उनको शुगर इतना ज़्यादा कम हो जाता है फ्रेंड, अपने आप तो सोचते ही नहीं है फ्रेंड, यकीनन खाना खाना है नहीं, सुबह उठ के बाहर चले गए हैं पता नहीं कहाँ। और मुझे गुस्सा आ रहा था, फिर मैंने सोचा चल मैं ही खा लेती हूँ खाना। बाय फ्रेंड।